दोस्तों ने अपने ही दोस्त राजेंद्र सिंह का अधिक कर्जा होने पर खाने में नींद की 20 गोलियां खिलाकर बेहोश होने पर ब्लेड से गला रेत कर हत्या कर दी। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र गांव इमलिया का है मामला। मृतक राजेंद्र गांव इमलिया में चलाता था परचून की दुकान। अभियुक्त भारत व अंकुश थे उसके दोस्त। भारत व अंकुश पर राजेंद्र के काफी पैसे हो गए थे उधार। उधार के पैसे ना देने पड़े इसलिए दोनों दोस्तों ने दावत के बहाने राजेंद्र को ले जाकर खाने में नींद की 20 गोलियां डालकर जब खाना खाकर राजेंद्र बेहोश हो गया तो ब्लेड से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या कर जंगल में छुपा दिया शव। पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक के ही फोन से राजेंद्र के घर वालों से राजेंद्र के अपहरण की बात बता मांगी 7 लाख रुपए की फिरौती। पुलिस ने मात्र 12 घंटे में दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार और किया घटना का खुलासा। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर ग्राम हजरतपुर के जंगल में पत्तों के ढेर में छुपा गया राजेंद्र का शव व आला कत्ल ब्लेड भी किया बरामद। राजेंद्र सिंह जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, इमलिया गांव में गांव का निवासी है, जात से लोधे राजपूत है। बहुत परचून की छोटी सी उसकी अपनी दुकान थी और इसकी हत्या हुई है। और इसकी हत्या इसके ही दो अभिन्न मित्रों ने, एक का नाम भारत है जो इसकी दुकान के ठीक सामने वाले एक फैक्ट्री में काम करता है और इसी के साथ ज़्यादातर समय रहता था। इसके साथ उठना बैठना खाना पीना तथा इससे लगातार पैसे याद लेते रहता था आवश्यकता के अनुसार। उसके काफ़ी पैसे इस पे हो गए थे भारत पर और भारत के द्वारा इसे कल दिन में 2:30 बजे के आसपास यह कहकर के साथ ले जाया गया कि मीट खाने चलते हैं। ये दोनों साथी और इनका एक तीसरा कॉमन फ्रेंड जिसका नाम अंकुश है, ये तीनों एक साथ चले। इन्होंने मंडी चौराहे से एक दुकान से बना बनाया मीट खरीदा। इस बीच में भारत ने 20 नींद की गोलियां खरीद रखी थी। ये हजरतपुर के एक लीची के बाग में उसको लेके गए। वहां पहुंचकर इन लोगों ने बियर पिया। बियर पीने के बाद मीट खाया। मीट खाते ही चूँकि नींद की गोली मिली थी राजेंद्र सिंह के भोजन में तो वो गहरी नींद में चला गया। अभियुक्त भारत साथ में ब्लेड ले गया था, टोपाज की ब्लेड थी। उस ब्लेड से उसने गर्दन की नस उसकी काट दी और पत्तियों में उसको छुपा करके वहाँ से चले गए। शाम को 7 बजे के आसपास अंधेरा होने पे ये दोबारा वहाँ गए और दोबारा जाने के बाद इन्होंने शव को वहीं पास में 200 मीटर दूर स्थित एक सूखे कुएं में डाल दिया। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।